हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बताया कि हम आप लोगों के लिए एकेडमी क्लासेस जो है रेगुलर लेकर के आते हैं, तो आज जो आप लोगों का लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट करवाया था आप लोगों को 2.4, तो आप लोगों का एक्सरसाइज 2.4 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आगे जो आप लोगों को लेकर के चलने वाले हैं हम एक्सरसाइज 2.5 की ओर लेकर के चलने वाले हैं। तो एक्सरसाइज आप लोगों का 2.5 जो होने वाला है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो आप लोग यदि 2.5 की हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को 2.1 एंड 2.3 में जो मैंने आपको एक्सरसाइज करवाया था, तो इस प्रकार का था कि इसमें वेरिएबल वन साइड एंड नॉन वेरिएबल वन साइड आप लोगों को फोकस करना है। तो आप लोग वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड इस प्रकार से करना है, तो 2.5 भी आप लोगों को इसी प्रकार का है। 2.5 में आप लोगों को लेकर के चलता हूँ, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये आप लोगों का हो चुका है xy2 - 1y5। पहले क्वेश्चन भी लेकर चल रहा हूँ सीधा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को। अब इसमें आप लोगों का सारे जितने भी क्वेश्चन है सभी में आप लोगों को रैखिक समीकरणों को हल करना है। तो हल करने के बाद आप लोगों को और कुछ करना नहीं है, सिर्फ हल अकेला करना है, हल करना है। तो इसमें आप लोगों को नॉर्मली एक ही काम करना है, वेरिएबल वन साइड और नॉन वेरिएबल वन साइड, और आप लोगों को कोई इसमें वेद मंत्र की जरूरत नहीं है। शुरुआत करते हैं वेरिएबल नॉन वेरिएबल में, आपको बता चुका हूँ वेरिएबल की चर राशियां, चर राशियां वो एक्स वाई जेड इनका क्या है मान बदलता रहता है। और यदि नॉन वेरिएबल की हम बात करें अचर राशियां, तो अचर राशियां कौन सी होती है हमारी 1, 2, 3 जो कि क्या है बदलती नहीं है। अब बात करें यदि वेरिएबल की, तो ये इस प्रकार से आप लोगों का वेरिएबल दिया गया है, तो यदि हम इसको एक साइड वन वन साइड लेकर के आते हैं, तो ये रहा आप लोगों का xy2 और ये हो जाएगा माइनस का xy3 इक्वल टू होने वाला है 1y4 और प्लस हो जाएगा आप लोगों का 1y5। ओके, इसका एलसीएम हम लेने वाले हैं, तो इसका यदि हम एलसीएम लेंगे तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, और एलसीएम इसका लेते हैं तो 6 ही आएगा, और इसका इसमें डिवाइड देते हैं 3 times जाएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा इसका 3x माइनस ये होगा इसके अंदर डिवाइड देते हैं 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 2x। इसको भी सेम कुछ इस प्रकार से लेने वाले हैं, इन दोनों के यदि एलसीएम लेते हैं तो 5 × 4 = 20 होने वाला है लगभग एलसीएम, ये हो जाएगा 5 + 4। इस प्रकार से होता है इसका इसमें डिवाइड करते हैं 5 times जाएगा, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स डिनोमिनेटर जो होता है जो रेशनल नंबर होते हैं उन्हें आप लोगों को यदि जो है एड सब्ट्रैक्ट यदि करना हो, तो आप लोगों को क्या करना होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है मीन्स जो हर की संख्या होती है उसमें आप लोगों को एलसीएम लेना होता है। ओके, अब आप लोग क्या इसे नॉर्मल सॉल्व कर दे रहे हैं, ये आप लोगों का हो चुका है, ये इसको माइनस करते हैं तो आप लोगों का xy6 आने वाला है और इधर आप लोगों का 9y20 आने वाला है। ओके, इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीधा यहाँ पर आ जाएगा, तो x की वैल्यू की यदि हम बात करते हैं तो x का जो वैल्यू आप लोगों का 9 × 6/20 आने वाला है। उसे एक आटे आएगा 2 × 3 = 6 एंड 2 की बात करें 10 हो जाएगा, तो 9 × 3 = 27 आप लोग का आ जाएगा 27/10। ये आप लोगों का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था। आप लोगों ने देखा है क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान इसमें क्वेश्चन आप लोगों को दिए गए हैं, 27/10 आप लोगों का पहले क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है हम लोगों को पूरा आप लोग कंप्लीट करवाना है, तो हम आप लोगों को पूरा टोटल कंप्लीट ही करवाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, आप लोग बिना समय ज्यादा खर्च किए, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा बिजी हो गए, जैसा कि मुझे पता है आप लोग बिजनेसमैन हो, कि पढ़ने में तो मन लगता नहीं है, इसी कारण हमको जबरदस्ती पढ़ाना पड़ता है, आप लोगों को रेगुलर वीडियो देखना नहीं है और हम आप लोगों को फिर हम लोगों को दोष देते हो पढ़ाते नहीं, तो इसलिए आप लोगों को रेगुलर वीडियो तो देखना ही पड़ेगा, तभी तो आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स आएंगे। यदि फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो, और कितनी बार बोला जाए। सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन कहता है, दोस्तों जब भी हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि आप सभी लोग अपना अपना बुक निकाल कर बैठ जाइए, क्योंकि यदि आप बुक पेन निकाल कर नहीं बैठोगे कॉपी पेन, तो आप लोग क्या नोट करते होंगे, आप लोग इतना विद्वान तो हो नहीं कि यदि आप लोगों ने एक बार देख लिया तो आप लोग भूलोगे नहीं। क्या दिया गया है (n/2 − 3n/4) और प्लस दिया गया 5n/6 = 21 इसमें आप लोगों का दिया गया है। अब इसमें आप लोगों को करना क्या है, ऑलरेडी इसमें वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड ऑलरेडी दिया गया है, तो सीधा सा एलसीएम दे देना है, एलसीएम यदि हम इसका लेते हैं तो इसका जो एलसीएम आने वाला है कितना आएगा, 2, 4 और 6 का एलसीएम आने वाला है आप लोगों का, 12 नहीं आएगा, 12 आ सकता है, 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 12 आप लोगों को एलसीएम निकाल सकते, एक बार और बताता हूँ निकालते किस प्रकार से, इस प्रकार से निकालते हैं, कुछ बच्चों को यदि नहीं आता हो तो देख लीजिएगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या इस प्रकार से भाग देते जाते हैं, 3 हो जाएगा, आप 2 से यदि देते हैं तो 1 और 1 और 3 और 3 से यदि देते हैं तो 1 और 1 और 1 ये 1 आप लोगों का जाता है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2, 3 और 6 = 12, तो आप लोगों का एलसीएम कितना आ गया 12। अब जो एलसीएम आता है उसमें आप लोगों को न्यू जो आप लोगों का डिनोमिनेटर होता है उससे आप लोगों को डिवाइड देना है, तो इसलिए यदि इसमें आप लोग डिवाइड दोगे 6 times जाने वाला है
और सिक्स का ऊपर यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का सिक्स एन हो जाएगा। माइनस यदि आप लोग करना है इसका यदि इसमें डिवाइड देते हो तो थ्री टाइम्स होगा, और थ्री का ऊपर यदि आपको मल्टीप्लाई करना तो ये होगा थ्री थ्री नाइन एन, और यदि इसकी बात करें तो ये होगा आप लोगों का सिक्स से यदि टू टाइम्स जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा आप लोगों का टेन एन, ये होने वाला है 21। ओके, इसके बाद आप सॉल्वेंट करते हो तो आप लोगों का 16n हो जाएगा। यदि आप 16 में से 9 भी माइनस करने वाले हो तो आप लोगों का अपना 7n आने वाला है, और इसका आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है 21 into 12, और n का यदि वैल्यू हमको फाइंड करना है तो 21 into 12 upon आप लोगों का कितना 7 आने वाला है। 7 से यदि आप कट करते हो 3 टाइम्स जाएगा, n का जो वैल्यू आप लोगों का 12 3 36 आप लोगों का n का वैल्यू आने वाला है। ओके, आई होप आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अंडरस्टैंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग तो होशियार जो हो चुके हो। यदि फिर भी आप लोगों की परेशानी होती है तो हम आप लोगों के लिए फिर से एक और सुविधा संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें आप लोग आसानी से कमेंट करते रहते हो, और फेसबुक व्हाट्सएप पर तो कमेंट करने की आदत पड़ ही गई, तो एक बार थोड़ा यूट्यूब पर भी आ जाइएगा, यूट्यूब पर भी कमेंट कर दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ, बस फालतू कमेंट नहीं करना होगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज आप लोगों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर जल्द से जल्द उपलब्ध होने वाली है, सभी के सभी कोर्सेस आप लोगों को यहाँ कंप्लीट करवाए जाएंगे। सो आप लोगों को डोंट वरी, बी हैप्पी, नो प्रॉब्लम, आप लोग कुछ भी परेशानी हम नहीं होने देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और जो अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्या कहता है आप लोगों को, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, एक्स प्लस 7 - 8x / 3 इक्वल्स टू दिया गया 17/6 - 5x / 2, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन आई होप सही नोट किया होगा। अब या वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड ऑनली एक ही काम आप लोगों करना है, तो इसमें आप लोगों का 8x / 3 और ये आप लोगों का वेरिएबल इधर लेकर क्या होगा प्लस का 5x / 2 हो जाएगा, और इधर को ये आप लोगों का 17 - 6 और इसके लिए इधर लाते हो -7 ले लिया। एलसीएम यदि इनका लेते हैं तो एलसीएम का क्या आने वाला है 3 2 1 का एलसीएम आने वाला है 6, 1 का यदि 6 में डिवाइड देते हैं 6 टाइम जाएगा 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आप लोगों का हो जाएगा 6x, देन आप लोगों का 3 का 6 में डिवाइड देना 2 टाइम जाएगा 2 का यदि 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों का हो जाएगा 16x, और यदि इसका इसमें देखो 3 टाइम जाएगा 3 का ऊपर यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आप लोगों का हो जाएगा 15x, और इधर भी आप लोगों को सेम कंडीशन 6 आप लोगों का दिया गया है, एलसीएम लेते हो तो ये और ये आप लोगों का हो जाएगा 7 6 = 42। अब ये आप लोगों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम सेम है, यदि सेम सेम होते तो आप कट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, इसको यदि आप सॉल्व करते तो ये आप लोगों का कितना 5x आएगा, इनको ये दोनों के आप जोड़ोगे 21, यदि इसको माइनस करोगे तो आप लोगों को 5x आएगा। इसी के साथ इधर आप लोग क्या आने वाला है, इसको जब माइनस करते हो तो ये आपका आने वाला है 5 3 - 1 आप लोगों को क्या आएगा 2, सॉरी से ये आप लोगों का आने वाला है 3 - 1 आप लोगों का आने वाला है 2, तो यदि एक्स की हम बात करें माइनस का आएगा, एक्स की हम बात करें तो आप लोग 25/5 से यदि इसको कट करते हैं तो ये आपका माइनस का 5 आप लोगों का एक्स का वैल्यू आने वाला है, एक्स का वैल्यू आप लोगों का आंसर क्या होगा, x = -5 आप लोगों को राइट आंसर होगा। ओके, इन क्वेश्चन में ज्यादा परेशानी नहीं आ रही, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सरल है, एक होता है इजी होता है वेरी इजी, तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों के वेरी इजी वाली जो है श्रेणी होती है उसमें आने वाली है। ओके, अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन फोर्थ नंबर का है, तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोग क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कोई भी परेशानी हो तो हम आप लोगों के लिए जो है रेगुलर डाउट क्लासेस जो भी हम आप लोगों के संडे को अवेलेबल करवाते हैं, क्योंकि अभी इतने बच्चे हैं नहीं कि रेगुलर डाउट क्लास लानी पड़ेगी, जब हमारे पास बच्चे बहुत सारे हो जाएंगे तो हम आप लोगों के लिए रेगुलर डाउट क्लास भी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन को नोट करते हैं, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, अगला फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप लोगों को बुक में जरूर रीड करना है, तो क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, क्वेश्चन जो आप लोगों को कहता है, आप लोगों से कहता है 4x, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है, सॉरी से मार्कर क्या है आप लोगों का, इंक यूज नहीं किया जा रहा है तो थोड़ा सा दूसरा मार्कर लेना होगा मुझे, ये रहा, अब आप लोगों को क्या दे रहा है, x - 5/3 और यह x - 3/5, इसमें तो बहुत ही इजी कंडीशन रहती है, इसमें क्या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इस प्रकार के सवाल आते हैं आप लोगों को जो है वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड इसमें अलग अलग नहीं करना है, नहीं तो और भी ज्यादा परेशान हो जाओगे, इस प्रकार की कंडीशन में आपको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 का इधर करोगे और 3 का इधर भी, 5 का इसमें करोगे तो x - 5 एंड इधर करोगे तो 3 और x - 5 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों का हो जाएगा 5x - 25 एंड ये आप लोगों का हो जाएगा 3x - 9,
इससे इधर लेकर कहते हैं 5x माइनस 3x हो जाएगा एंड ये आप लोगों को माइनस करना है प्लस का कर देता है हो जाएगा। इससे यदि आप लोग इसको कट करते हो 2x इक्वल टू आप लोगों के आने वाला है 16। अब x की वैल्यू की यदि हम बात करें तो ये इससे आप लोगों कट जाने वाला है तो आप लोगों का एक्स का जो वैल्यू 8 आने वाला है। एक्स का वैल्यू आप लोगों का 8 आ चुका है मीन्स आपका राइट आंसर क्या होने वाला है 8। इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ओके आप लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट इस जो है एकेडमी पर उपलब्ध करवाने की हमारी जिम्मेदारी है और ऐसा हम करवाने में आपका जो फुल सपोर्ट करेंगे। बस आप लोगों को भी थोड़ा सपोर्ट करना है, किस प्रकार से शेयर करना है और हर एक वीडियो को देखना है क्योंकि कोई भी वीडियो आप लोगों को ऐसा तो है नहीं कि मेक जो ऑफ या हमें पढ़ाना जिसे हम संपर्क करते हो कि आप लोग कॉमेडियंस लेकर के आने वाले हम आप लोगों के लिए ओनली ओनली स्टडी। और कभी कभार ऐसी बात नहीं जब भी हम ब्लॉग्स को घूमने के लिए जाया करें तो इस प्रकार की वीडियो भी आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध करवा दिया करेंगे। कहीं कहीं घूमने के लिए जाते हैं हमारी टीम जाती है ये सब चीजें भी आप लोगों को सब कुछ एक साथ एक छत के नीचे बहुत ही जल्द यदि आप भी बड़े होते जाओगे तो चैनल भी बड़ा हो जाएगा ना, चैनल भी बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों की तैयारियां भी कॉम्पिटिशन की तैयारियां भी यही करवाइए। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आप लोगों को बोल दिया चैनल एक ही पकड़ना है। यदि आप 10 जगह भागोगे तो आप लोगों को कहीं से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आप लोगों को नोट कर लेना है, थोड़ा सा मुझे इंक जो है ले लेनी है। मैं आप लोगों को जब तक की एक बात बताता हूँ कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो मीन्स जब भी आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल ओपन करते हो तो सिर्फ आप लोगों को एक ही काम करना है। काम क्या करना है, आप लोगों को जो है अपना कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाना है। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ये सब इसीलिए क्योंकि यदि आप नोट नहीं करोगे तो आप लोगों का काम कैसे होने वाला है, नहीं हो सकता। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों को, सॉरी 5th नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों को क्या कहता है, 5th नंबर का क्वेश्चन कहता है 3t माइनस का 2 अपॉन 4 जो आप लोगों का दिया गया है माइनस 2t प्लस 3 वाई 3 इसको शुरू दिया गया है 2y3 माइनस का 2। ओके अब आप लोगों को इसको सॉल्व करना है तो ये वेरी 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 इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा चाहे तो आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिएगा तो भी बहुत इजी पड़ेगा। इसी प्रकार से करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं चारों तीन का, जब एलसीएम लोगे 12 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा क्योंकि 4 का एडिशन जो है डिवाइड होगी 3 टाइम्स आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हम करते हैं 3 3 90 और 3 2 6 होगा माइनस आप लोगों का दिया गया है। अब 3 का 12 में जो है डिवाइड देते हैं 4 टाइम्स आएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 4 2 8 और माइनस का ही अंदर मल्टीप्लाई होना है साथ ही साथ, तो आप लोगों का 4 3 12 माइनस का 12 आएगा। सेम कंडीशन इधर आप लोगों की होने वाली 3 2 3। अब यहां पर आप लोग इसको कट कर सकते हो 3 4 ये 4 टाइम्स हो गया, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर आप लोगों को कर देना है, ये आप लोगों को 6 है। अब इनको आप लोग ऐड करते हो तो ये आप लोग कितना बचेगा 90 माइनस 80, ये आप लोग हो जाएगा टी ऑनली बस टी इतना हो जाएगा टी और ये आप लोगों का 6 है और ये करते हैं तो ये आपको माइनस का 18 हो जाएगा। इसके यदि मल्टीप्लाई इधर क्रॉस करते हैं 4 2 8 एंड 4 3 12 टी हो जाएगा। वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, इसको यदि आप इधर उठा करके लाते हो तो ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस का 12 और ये हो जाएगा आप लोगों का 18 प्लस 18 ये आप लोगों का हो जाएगा 13t और ये इधर आप लोगों का होने वाला है 26। टी की यदि हम बात करते हैं तो टी आप लोगों का इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम्स, तो टी का जो वैल्यू आप लोगों का 2 जो है आप लोगों का टी का वैल्यू आने वाला है मीन्स जो 2 आप लोगों का है 2 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होने वाला है। वेरी 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 ही इजी क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। इसी के साथ आगे की ओर चलते हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसमें आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी, इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा सही से। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कोई भी परेशानी यदि आप लोग वीडियो में देखती है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके और इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा जरूर करना है क्योंकि आप हमें कुछ नहीं दे सकते तो थोड़ा सा काम हमारा कर सकते हो ना, शेयर ओनली जितने भी आप लोगों के पास ग्रुप्स हैं तो उनमें आप लोगों को शेयर करना है अपने फ्रेंड्सों के साथ, 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास इस प्रकार ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हो जब मोबाइल चलाते हो, थोड़ा सा समय हमको भी दीजिएगा। ओके इसके साथ आप लोगों का जो 6 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं, और 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोग क्या कहता है नोट करना है आप लोगों का m - m - 1/2 और इसको दिया गया 1 - m - 2/3 ये रहा आप लोगों का 6 नंबर का क्वेश्चन। 6th नंबर का क्वेश्चन ये रहा, अब इसको यदि बंद कर लें, इसको भी बंद कर लेते हैं, इसको यदि सीधा सॉल्व करना शुरू करते हैं तो ये एलसीएम लेंगे 2 आएगा और इधर मल्टीप्लाई करते हैं 2m - m - 1 आप लोगों का हो जाएगा, नो प्रॉब्लम
माइनस एम ये यदि मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का एम प्लस का वन हो जाएगा ना, इसके यदि आप करते हैं तो थ्री होगा, ये होगा थ्री और माइनस का एम और प्लस का टू, आप लोगों का हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए देते हैं, ये आप लोगों का हो जाएगा एम प्लस वन और इसका यदि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई एम करवाए तो ये थ्री आ जाएगा यहाँ, और इसमें यदि हम करते हैं थ्री टू एम फाइव हो जाएगा, फाइव माइनस एम ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा आप लोगों का टू, थ्री का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री एम और प्लस का थ्री और ये आप लोगों को हो जाएगा टू फाइव जब टेन और माइनस का टू एम। इसको यदि हम इधर लेकर के आने वाले हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों का होने वाला है कितना फाइव एम हो जाएगा, थ्री एम टू फाइव एम हो जाएगा, इसको यदि इधर लाएंगे टेन माइनस का थ्री आप लोगों का हो जाएगा, एम की यदि हम बात करते हैं ये आप लोगों का कितना हो जाएगा सेवन बाई फाइव। ओके, तो सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों के आंसर आने वाला है सेवन बाई फाइव आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग क्वेश्चन जो है समझ आए होंगे, आगे मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ सेवन नंबर के क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। बिल्कुल सर, आप लोग सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व भी करना है, तो नॉर्मली क्वेश्चन है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे ही रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। इसी के साथ आगे चलने वाला हूँ आप लोगों का एट नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों से क्या कहता है, एट नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आगे के तीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ओके, तो आप लोगों का जो है दिया गया है सेवन नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों से क्या कहता है, सेवन नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों कहता है थ्री टी माइनस थ्री और इक्वल टू दिया गया फाइव इंटू टू टी प्लस वन। इसमें आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए, आप लोगों का हो चुका है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है सॉल्व भी करना है। सिंप्लीफाई कर दीजिए, सीधा सीधे थ्री का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं थ्री टी और माइनस का थ्री थ्री नाइन और इसको यदि हम करते हैं फाइव टू या टेन टी और प्लस का फाइव। आप लोगों को शुरुआत से जो बात बता रहा हूँ वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड पूरा पूरा एक्सरसाइज पूरा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है दोस्तों, अब तो आप लोगों को समझना ही होगा कि वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड करते कैसे होंगे, तो आप लोगों को कर लेना है। इधर लेकर के आओगे इसमें थ्री टी और ये माइनस का टी हो जाएगा टेन टी तो ये आप लोगों का हो जाएगा और फाइव माइनस का फाइव प्लस का नाइन हो जाएगा, इधर ये जाएगा प्लस, ये आप एड करते हो तो आप लोगों सेवन सेवन टी होगा माइनस का और इनकी यदि आप एड करते हो तो ये फोर्टीन टी की यदि हम बात करें तो आप लोगों टी क्या होने वाला है फोर्टीन अपॉन माइनस का सिक्स माइनस का सेवन, इसके यदि करते हो तो टू टाइम्स मीन माइनस का टू टी इज इक्वल टू आप लोगों का आने वाला है माइनस का टू। क्या क्या कठिन था, बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन था, ऊपर वालों से भी सरल था, ऊपर वालों को थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करना भी था, इसमें तो आप लोगों को वो भी नहीं करना है, मेरे हिसाब से ये ऊपर वाले क्वेश्चनों से भी बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को स्क्रीन शॉट ले लेना है, चीजें आप लोगों को बस थोड़ा गहराई से समझना है कि आप लोगों को जो बोला क्या जा रहा है, आप लोगों को पढ़ना होगा, बेस आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बेस वाली चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यदि अभी से आप लोगों ने सेवन एट नाइन टेन तीन से चार साल यदि आपने लगकर मेहनत कर ली तो आप लोगों को आगे सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और आगे हम आप लोगों को ले जाने की जवाबदेही समझते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एट्थ नंबर का जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, एट्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों को क्या कहता है, नोट करते हैं क्या कहता है, दिया गया है आप लोगों का एट्थ नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है फिफ्टीन एंड बाय माइनस का फोर और माइनस टू और ये है बाय माइनस का नाइन। बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया और मैंने भी बड़े बड़े अक्षरों में इसको नोट कर दिया, थोड़ा छोटा छोटा लिखना होगा। दिया गया है फिफ्टीन प्लस बाय माइनस का फोर और बात करते हैं माइनस टू, ये हो गया आप लोगों का बाय माइनस का नाइन और स्क्वायर टू दिया गया सॉरी प्लस करके दिया गया फाइव और बाय प्लस का सिक्स, स्क्वायर टू दिया गया आप लोगों को जीरो। ओके, पूरा नोट किए लेते हैं, हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, सीधा अंदर मल्टीप्लाई करना है आपको, कुछ भी कोई अलग एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाना है, तो इसके यदि अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फिफ्टीन बाई माइनस सिक्सटीन हो जाएगा, ये आप लोगों का हो जाएगा टू बाई आप लोगों का प्लस नाइन टू या एटीन प्लस का हो जाएगा प्लस फाइव बाई और फाइव सिक्स या थर्टीन हो जाएगा और ये आप लोगों का होने वाला है जीरो। वेरिएबल वेरिएबल आप लोगों को ऑलरेडी वन साइडेड है तो आप लोग वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, वेरिएबल इसी साइड रखना है, ये आप लोगों का हो जाएगा 15 बाई टू बाई एंड फाइव है तो ये आप लोगों का हो जाएगा 20 बाई टू माइनस हो जाएगा 20 18 बाई आप लोगों को बचना है। बात करें यदि इनकी तो 16 दिया गया 18 दिया गया 13 16 नेगेटिव दिया गया तो ये यदि आप जोड़ोगे तो 48 हो जाएगा और इसमें से यदि आप माइनस करने वाले तो 12 आएगा माइनस का जो भी इधर आके आप लोगों का प्लस का 12 हो जाएगा।
माइनस कर लेना है आसानी से, 22 क्वेश्चन यदि आप लोग दिया गया है 12 अपॉन 18 हो जाएगा, 6 टू 12 6 3 18, तो बाय का जो वैल्यू आप लोगों का 2/3 आने वाला है। चीजें बहुत आसान है, बस आप लोगों को थोड़ा मन लगाकर ध्यान से समझना है। कहां समझ में नहीं आया मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई ऐसी टर्म थी जो आपको समझ नहीं आई हो। सीधा आप लोगों का सीधा अंदर मल्टीप्लाई किया गया है, देन आप लोगों का वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड पूरा एक्सरसाइज निकाल दिया मैंने, वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड ही इसमें लगना है और कुछ इसमें लगने लायक है ही नहीं। नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन जो है आप लोगों को बोलता है क्या, ये आप लोगों को मिटा दिया गया। नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन को नोट करते हैं, नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से कहता है दोस्तों ये रहा है नाइन्थ नंबर का, और क्या कहता है, 3 5z माइनस का 7 माइनस 2 9z माइनस 11 और इस क्वेश्चन दिया गया 4 8z माइनस 13 और माइनस का 17 इसमें आप लोगों का दिया गया है। थोड़ा आप लोगों को बुक में देखना होगा क्योंकि यदि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी नोट करने में हो गया है। सीधा अंदर मल्टीप्लाई, 3 5 15z 3 7 21 ये आपको माइनस हो जाएगा, 9 18z ये आप लोगों का हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आप लोगों का प्लस का 22 और ये हो जाएगा आप लोगों का 8 4 32 जेड और आप लोग का माइनस 52 और माइनस का 70। ओके, वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड कोई वेद मंत्र नहीं पढ़ना है, काफी आसान चीजें बहुत सरल होने वाली है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा, यदि इधर की बात करते हैं तो ये आप लोगों का 15z 18z, यदि माइनस करते हैं तो माइनस का 3z बस बचने वाला है, इसको यदि इधर लाते तो माइनस का ये हो जाएगा आप लोगों का 32z। बात करें यदि इधर की हम करने वाले हैं तो इसको बात करते हैं यदि यहाँ की, तो आप लोगों का वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड हो चुका है, तो यदि आप ऐड करते हो तो 7+2 आप लोगों का 9 होने वाला है और ये आप लोगों का दिया गया है, इसमें आप लोग क्या करना है, ये आप लोगों का जो है 5+1 माइक यूज करना होगा, 7+2 आप लोगों का 9 हो गया, ये आप लोगों का 6 होने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों की, आप लोगों का क्या दिया गया, ये आप लोगों का दिया गया है 21 माइनस का ये प्लस का है, तो आप लोगों का इधर ये जाएगा, तो इधर प्लस का 1 बचने वाला है, इन दोनों के यदि आप करोगे प्लस का 1 बचेगा और इसको यदि इधर ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, इन दोनों के यदि आप ऐड करते हो तो माइनस का 35z आप लोगों का होगा, इसको यदि ऐड करते हो तो माइनस का 70 होगा, माइनस से माइनस हम कट कर सकते हैं, 70z की यदि बात करते हैं 70/35 आएगा और इसको यदि हम कट करते हैं तो 2 आप लोगों का जेड का जो वैल्यू होने वाला है 2, जेड का जो आप लोगों का आंसर होने वाला है 2 आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा, मींस आप लोगों का 2 इसमें आप लोगों का फाइनल और राइट आंसर होने वाला है, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे यदि हम वीडियो के बारे में बात करें तो आगे आप लोगों का नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया चीजें बहुत ही आसान है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यो मैं हट गया हूं पीछे काफी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, 10th नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों से क्या कहता है, क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन जो है 10th नंबर का, हमारे जो स्टूडेंट है वो दशमलव देख करके और बटे में संख्या देख करके पसीना छोड़ देते हैं, कुछ मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के कमेंट आते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेरी जो पिछली वीडियो थी उसमें ऐसा उन लोगों ने बताया था, इसी के साथ हम इसको करते हैं, 4f-3 0.05 और आप लोगों का दिया गया 10f-9। ओके, अब इसी के साथ हम लोगों को इसमें सॉल्व करना है, करना है इसमें कुछ भी नहीं है, चीजें बहुत ही आसान है बहुत ही ज्यादा, इसमें आप लोग क्या करना है, ये आप लोगों का दिया गया है, मैं आपको बताता हूँ, ये आप लोगों का 2 हमने हटाया, कितना आया 20 हमारा यहाँ आने वाला है, अब यदि यहाँ से भी हमने 2 जो दशमलव डेसिमल हटाते हैं तो 30 हमारा आता है, अब ये टोटल क्या है मल्टीपल में है, तो यदि ये टोटल किसके इसके बटे में होगा, ये भी इसके बटे में ही होगा, मैंने आप लोगों को बताया यदि आप लोगों का जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दिया रहता है यदि आपका कुछ भी सेम होता है, यहाँ पर आप लोगों का डिनोमिनेटर जो है हर आप लोगों का सेम है, तो आप आसानी से जो है डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो, अब आप लोगों का डेसिमल भी गायब हो चुका है, अब आप बहुत ही हल्का फील कर रहे होंगे, इसके बाद इसमें आप लोग आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 का यदि आप 4 में करते हो तो 25 हो जाए आप लोगों 100 होने वाला है, 100f इसका यदि करते हो तो ये आप लोगों का हो जाएगा 75, देन आप लोग यहाँ पर आप लोगों के ओनली 5 है तो इसका यदि मल्टीप्लाई करते हो आप लोगों का 10 में तो ये आपको हो जाएगा 15f, ये होने वाला है आप लोगों का 45 सॉरी से। देन आप लोग क्या कर रहे हैं, वेरिएबल वन साइड नॉन वेरिएबल वन साइड, सिर्फ एक ही मंत्र है पूरे चैप्टर के लिए और आप लोग कुछ करना ही नहीं है। ओके,
चर राशियां एक साइड लाना है और अचर राशियां एक साइड। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंटों को समझ आते हैं, हिंदी वाले कहते हैं क्या ये वेरिएबल नॉन वेरिएबल लगे रहते हैं। इसके साथ इसको इधर लाना आप लोगों का क्या हो जाएगा 15F-45 और ये आप लोगों का हो जाएगा +75। इसमें से आप यदि इसको माइनस करते हो तो आप लोग क्या आने वाला है 50F 100 में से यदि आप 50 को माइनस करोगे तो आप लोग क्या आने वाला है 50F आने वाला है। और आप यदि इसको माइनस करने वाले तो आप लोग क्या आने वाला है आप लोग जल्दी से बताइएगा। आप लोग यदि इसको माइनस करने वाले तो आप लोग कितना आने वाला है 50 और ये आप लोगों का हो जाएगा 30। तो प्लस का 30 आप लोगों का यहाँ आने वाला है, प्लस का 30 आएगा। तो आप लोगों का एफ का जो वैल्यू होने वाला है क्या होने वाला है 30/50। माइनस माइनस जो आप लोगों का कट हो जाएगा तो एफ का जो वैल्यू है 3/5 आप लोगों का राइट आंसर होगा। ये था आप लोगों के लिए आज की जो क्लास था इसका आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने जो है फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और आप लोगों को एक चैनल के साथ जुड़े रहना है, यही आप लोगों को कनेक्टिविटी बनाए रखना है। यदि आप आगे सक्सेस होना चाहते हैं यूट्यूब पर आप लोगों को बहुत से चैनल अवेलेबल है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि आप लोगों को 6-12 तक के जो है एकेडमिक क्लासेस आप लोगों को इसी चैनल पर उपलब्ध होंगी। यदि आप अभी 8 क्लास में हो तो हम आप लोगों को 12 तक साथ देने वाले हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ 12 तक, आगे भी हम आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन की क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं। सो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।